वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, अगर आप कमजोर दिल के हो तो प्लीज इन मूवीज से दूर रहना, वरना पता भी नहीं चलेगा ये मूवीज आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगी। चल फिर भी अगर आप रेडी हो तो पेश है आपके सामने दुनिया की 3 सबसे खतरनाक हॉरर मूवीज। नंबर 4 की मूवी आपको घर में बैठे बैठे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पहुंचा देगी, वो भी बिल्कुल लाइव। रियल से रियल ऑलमोस्ट एक लाइव फुटेज हॉरर को तो एक अलग ही स्टेज देखने को मिलेगा 2011 की ग्रेव इनकाउंटर्स में। भूतों को कैमरे में कैद करने के लिए एक टीम जाती है शहर के सबसे खतरनाक हॉस्पिटल में। अब वहां पर उनके साथ जो कुछ होता है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले। रियलिस्टिक एक्सपीरियंस चाहिए तो इसे ट्राई करो। फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है, डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं कोशिश करूंगा वहां पास मूवीज अपलोड करने। अगर आपकी लिस्ट में कोई ऐसा इंसान है जो बोलता है उसे डर नहीं लगता, तो लिस्ट की कोई भी मूवी उठाकर उसे दिखा दो। अगर उसकी हालत ना खराब हो तो वापस आके आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। नंबर 2 पर कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को भी काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकती है ये मूवी। की सबसे खौफनाक बात यह है कि डर इंसानों से लगता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि स्टोरी कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसा समझ लो कि एक जीता जागता नर्क देखने को मिलेगा 2008 की मार्टियाज में। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये मूवी आप लोगों को सजेस्ट करना, लेकिन हमारी जो कोर ऑडियंस है वो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है ब्रूटैलिटी से, इसीलिए इस फिल्म को लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ रहा है। ऐसी फिल्म की सबसे बेकार बात होती है हमें मेंटली हिट करती है। मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप एक नॉर्मल ऑडियंस हो तो इस टाइप के कंटेंट से 10 फीट की दूरी बनाकर रखो। कि आपकी मर्जी, फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है और आपको किसी भी अनऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। नंबर 1 की मूवी, भाई क्या था ये, मुझे नहीं पता हॉरर जॉनर में मैंने ऐसा कुछ कभी देखा है। इतने जबरदस्त लेवल की राइटिंग और हॉरर थ्रिलर का ऐसा एग्जीक्यूशन शायद ही आपने भी कभी देखा हो। 2001 की द अदर्स फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. फिल्म 2001 की है, पुरानी है, सोचकर इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। मुझे पर्सनली ऐसी मूवीज पसंद आती है जिसमें आप एज अ ऑडियंस कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टाइम के साथ साथ फिल्म और ज्यादा खतरनाक होती जाती है, ऐसी फिल्म आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में फिल्म नॉर्मल हॉरर मूवी की जैसी ही लगती है, असली मजा आना स्टार्ट होता है थोड़े टाइम के बाद। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इस लेवल का सस्पेंस फिल्म हर समय मेंटेन करके रखती है। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है मूवी। अगर आपको भी एक नॉर्मल ऑडियंस से प्रो में कन्वर्ट होना है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दुनिया भर का जबरदस्त कॉन्टेंट हम आप तक पहुँचाते रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें वाकई में दम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करो।